नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। आज हम एक मालिका के बहुत ही बड़ा विशिष्ट स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है अमरावती कटक। जैसे मालिका में लिखा है, मालिका में पांच कटक के बारे में लिखा है। एक तो उड़ीसा के जो पुरानी राजधानी था कटक, वो तो है ही, अभी जिसको हम ट्विन सिटी कहते हैं कटक और भुवनेश्वर। उसके अलावा ये है अमरावती कटक और हस्तिना कटक, अभी इसका नाम है दिल्ली, और एक है बारूणाबंद कटक। ऐसे करके पांच कटक है। तो पांच कटक में से अन्यतम जो है यह है अमरावती कटक। अमरावती कटक में के बारे में मालिका में बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उसके बारे में प्रमाण मिलता है, उसी का भी एक अंश है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका नाम है रानी हंसपुर। तो अमरावती कटक में ये होगा, यहाँ पे भक्तों की एकत्रीकरण होगा और यह स्थल जो है यह है भक्तों का परीक्षा के केंद्र है। ये अंतिम कालखंड में यहाँ पर भक्तों को एकत्रीकरण किया जाएगा और यहाँ पे एक एक भक्तों को परीक्षा भी देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे उड़ीसा में कुल मिला के जो रासस्थली है वो है 43 रासस्थली। जो 43 जो रासस्थली है उसी में से एक है ये अमरावती कटक। और सबसे बेचैन कर देने वाला जो बात है, जो रहस्यमय बात यह है, अभी पहली बार हमारी टीम आपको खुलासा कर रहा है, ये जो अमरावती कटक है यहाँ पे एक जगह है उसका नाम है अमर भुई। मतलब इस इलाके में पूरा का पूरा जो इलाका है यहाँ पे एक जगह ये भी है जिसका नाम है अमर भुई। जो भी इस भूमि के जो एरिया है जहाँ पर वो अपने चरण स्पर्श करते हैं और वो बिल्कुल अमर बन जाते हैं। तो ये है अमर भुई, जिसकी के नाम के अनुसार इसका नाम हुआ है अमरावती कटक। क्या क्या है इसके बारे में और भी रहस्यपूर्ण और रोचक तथ्य जो मालिका के ग्रंथ प्रमाण देते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं मालिका गवेशक, मालिका रिसर्चर और जगन्नाथ कथा संस्कृति के महान प्रचारक कान्हू बाबा जी। आइए उनसे मिलते हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है हमारे चैनल में। तो ये जो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे अमरावती कटक, इसके बारे में बताइए मालिका में क्या लिखा है। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। उन्हें एक भविष्य कल्प ग्रंथ है, भविष्य ग्रंथ है जी, जो उड़ीसा में पैदा हुआ महापुरुष अच्युतानंद जी 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 जी, इसका सखा थे चारों, जसवंत, बलराम, अच्युत, अनंत, जगन्नाथ और पांच सखा है शिशु अनंत। ये भविष्य ग्रंथ में 418 ग्रंथ लिखा है भविष्य कल्प में, और 185,000 ग्रंथ लिखा है महापुरुष अच्युत। महापुरुष अच्युत ये सबको एकत्रित करने वाला है, 11 लाख होगा। हाँ, पांच सखा हाँ, सबको अगर मिला लें तो 11 लाख 11 लाख तक पहुँचे, 11 लाख तक पहुँच जाए। सही बात है। वो एक ग्रंथ में लिखा है जो 10 कटक है, यहाँ पे गुप्त कटक है, पांच कटक है, जो पंच कटक है उड़ी उत्कल में, पंच कटक है यहाँ पर, हम जो जहाँ पर आया विराजमान कर रहा है इसको बोल रहा है अमरावती कटक। जी जी जी। अमरावती कटक क्या हुआ है, एक यज्ञ कल्पद्रुम ग्रंथ है। अच्छा, वैदिक कल्प ग्रंथ का नाम है यज्ञ कल्प, वैदिक ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ। जी जी जी। महापुरुष अनंत लिखा है यहाँ में कलिजुग शेष में एक यज्ञ होगा। अच्छा, कलयुग के अंतिम कालखंड में एक यज्ञ होगा, यज्ञ हो, वो यज्ञ का नाम है अनंत कल्कि महायज्ञ। इसका नाम है अनंत कल्कि महायज्ञ। वो जो यज्ञ होगा, वो यज्ञ में वृंदावन में एक जो बंसी है, बांसुरी वाला है, जो भगवान कृष्ण है ना जी जी जी, ये मोहन बंसी यहाँ पर आएगा, वृंदावन में आएगा। अच्छा। वृंदावन पर नहीं आएगा, यहाँ पर है, एक गुप्त स्थान में है। अच्छा। वो ये यहाँ पर पूजा होगा, अनंत युग जब आएगा यहाँ तक रास होगा जी जी जी, गुजरी रास होगा। वो गुजरी रास में स्वर्ग का इंद्र, इंद्राणी देवता, द्वादश गोपाल, पंचसखा, जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र भैया, सुभद्रा माता, सुदर्शन, विमोला, 33 कोटि देवता। अच्छा, यहाँ पे एकत्रित होगा, यह यहाँ पे राजप्रसाद है जी जी जी। एक यहाँ पर गुमटी गुम्फा है, गुमटी गुम्फा है यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर घोड़ाशाला है। हाँ हाँ, राजगादी के पास प्रसाद पे एक घोड़ाशाला है, घोड़ाशाला में एक ढुंकुरी का बाट पड़ता है नौली गुम्फा के तक। अच्छा, यहाँ पे अंत मतलब अंदर ही अंदर एक सुरंग है, बिंबर है। हाँ। जिसके अंदर जो है
सुडंग है ना, इसको नली गुम्फा कहते हैं। नली गुम्फा तो उसका कांटेक्ट है, कांटेक्ट है ना। और नली गुम्फा से जोलका, जोलका में वो गोबरी, गोबरी से या से हमारा कलकी पहाड़ यहाँ पर है, जो बूढ़ा केंदुआ के स्थान है ना, बूढ़ा केंदुआ शरद में इसको बांध दिया कली को। एक कली कली का पहाड़ है, इसको कली पहाड़ कहता है। क्या बात, तेणु ये सब कुछ है। क्या पहाड़ के उस तरफ है ये? उस तरह को जगह है, 10 किलोमीटर हो पड़ेगा, लगभग 10 किलोमीटर रास्ते में हम गए, रास्ते में गया पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो बाबा जो बोले कली पहाड़, कली पहाड़ जो है, कलकी पहाड़ जो है वो है इस पहाड़ के उस तरफ। अगर हम रास्ते में जाएंगे तो लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर हमें पड़ेगा ये स्थान, बूढ़ा केंदुआ एक स्थान, बूढ़ा केंदुआ। अच्छा अच्छा, अंदर अंदर बूढ़ा केंदुआ स्थान है, बोरी के ग्राम है, बेरी बेरी स्टेशन तो वही है ना, जहाँ पे वो इंजन फटेगा, वो जगन्नाथ महाप्रभु, जगन्नाथ महाप्रभु को जो रूसिया लेके जा रहा होगा वहाँ पर इंजन फटेगा। और वहाँ से जो कड़ी गांव है वहाँ पे झाड़ेश्वर टेम्पल है, वहाँ से 1.5 दिन तक रुकेंगे महाप्रभु जी, उसके बाद जाएंगे छत्तीसगढ़। ये सब भविष्य ग्रंथ में लिखा है, मालिका का एक महान क्षेत्र है। जी जी जी, यहाँ पर अमरावती लीला, यहाँ पे आगे चल के क्या होगा अमरावती में लीला जो होगा वो क्या होगा तुरंत बताइए। मतलब यहाँ पे जो जगन्नाथ आएगा, जगन्नाथ महाप्रभु जी आएगा, कोई तो नहीं ले पाएगा इसको। वो कोटी मेरु है ना जगन्नाथ महाप्रभु, वो भक्त लगा, भक्त व्यतीत जो यहाँ पे कुछ कुछ ग्रंथ में लिखा है, टोपी माला आएगा, आज्ञा माला आएगा, वो झुंपड़ी माला आएगा, वो बहितक माला आएगा, वो पांच माला आएगा। अच्छा अच्छा, जगन्नाथ महाप्रभु का आज्ञा माला जब से आएगा, और जगन्नाथ महाप्रभु यहाँ से जाएगा, वो बौरी स्टेशन पर वो निकल जाएगा। जी 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 जी, और हनुमंत महाराज जी है ना, हनुमंत महाराज जी एक गदा में एक प्रहार करेगा। अच्छा, वो डिब्बा इंजन का जो है वो डूबा भाग जाएगा, लकड़ जाएगा, टूट जाएगा, वो जगन्नाथ अंतर्धान हो जाएगा। अच्छा, अंतर्धान कहाँ पर रहेगा? भक्त के पास रहेगा। हाँ जी जी जी, अच्छा अच्छा, भक्त भगवान के पास हर दिन में लीला करता है जगन्नाथ महाप्रभु। ये जो अमरावती जो जगह है, और वहाँ पे आप बोल रहे थे कि एक वीडियो में यहाँ पे एक जगह है इसका नाम अमर भूई। यहाँ पर जो यहाँ पर जो जड़ी बूटी है, एक वृक्ष है, वो वृक्ष को जब पांच पत्ता पत्र खाया जाए, माने खाएगा, वो अमर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी है? हाँ, वो गुप्त मतलब है। ये जो पहाड़ है यहाँ पे एक जो वनस्पतियाँ हैं, वनस्पति गुप्त वनस्पति है, उसका पांच पत्ते खाने पर आदमी जो है हमेशा अमर बन जाएगा, अमर बन जाएगा। और यहाँ पे एक अमर भूमि भी है, अमर भूमि है, वो इंद्राणी बृहस्पति यहाँ पे आता है, हर दिन आता है। अच्छा, ये मतलब पहले जमाना था ये आते थे या फिर आज भी आते हैं? आज भी आते हैं, आज भी आते, आज भी आते हैं। अच्छा, ये बात आपको कब से पता चला? पता चला है तो आपको पता है, आपको पता है इस जगह के बारे में? हम ये 2001 में आया था यहाँ पर, यहाँ पर आया था। एक महापुरुष शिशुअनंत ग्रंथ में एक मंत्र लिखा है, त्रिपुरा मंत्र। अच्छा, यहाँ पर त्रिपुरा मंत्र जप करने के बाद एक काला आदमी हम देखा पड़ा यहाँ से। अच्छा अच्छा, ये लंबा, बहुत लंबा, 35 हाथ है। अरे बाप रे, 35 फीट। वो मीडिया पे नहीं बोलेगा, ये सो जो मंत्र पढ़ेगा मंत्र का तरंग होगा, नहीं जो मंत्र होता है, और एक साबर मंत्र होता है, और एक आप बोले त्रिपुरा मंत्र, त्रिपुरा मंत्र है। ये जो ये है कि तंत्र क्षेत्र है, ये वैदिक क्षेत्र है। अच्छा, क्षेत्र देखा जाए तो ये मतलब एक सिद्धपीठ भी है, सिद्धपीठ, और एक ये तंत्र, एक साबर है ना, वसुकल्प राजा है ना, वो साबर है। अच्छा, ये साबर तंत्र यहाँ से नीलमाधव को पूजा करने वाले से। बाबा जी, उस तरफ है क्या, और क्या क्या कुछ है वहाँ पर? हाँ, यहाँ पर चार द्वार है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। जो चार द्वार है ना, एक भंडार द्वार है। अच्छा, भंडार द्वार में वसुकल्प एक मुकुट रखता, मुकुट मुकुट। अच्छा, मुकुट पहचाना नहीं? राज मुकुट, राज मुकुट रहता था यहाँ पर था। वो मुकुट एक पर गुम्फा में गुप्त है, वो मालिका में लिखा है। अच्छा, वो मुकुट जो है अभी भी यहाँ पे गुम्फा में गुप्त है, सुरक्षित रखा हुआ है और गुप्त है। और ये कब निकलेगा बाहर? जब गजपति महाराज आएगा, गजपति महाराज जी जब आएंगे, दिव्य संध्या वो जो है उसको बाहर निकालेगा, इसको इसको प्रदान करेगा। अच्छा, मालिका में लिखा है। किसको प्रदान करेंगे? गजपति महाराज को देगा, गजपति महाराज जी जब यहाँ पे आएगा तो। अच्छा, ऐसा भी एक समय आएगा गजपति महाराज जी यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे कोई एक विशेष कोई साधु संत होंगे, फिर वो साधु भी सात साधु है यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, गुप्त गुप्त गुम्फे में वो तपस्या रहते हैं। अच्छा, वो गुफा के अंदर जो है तपस्या रत करते हैं। अच्छा अच्छा,
चलिए बहुत 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 बढ़िया। तो बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सी सुंदर तथ्य जो है हमारे दर्शकों तक पहुँचाए। आप अभी सुन रहे थे मालिका रिसर्चर और जगन्नाथ कथा संस्कृत महान प्रचारक कान्हू बाबा जी से। तो ये मालिका का विशिष्ट स्थान है जिसका नाम है अमरावती कटक। अमरावती इस जगह का नाम है और अंतिम कालखंड में, युग के अंतिम कालखंड में यह जो पीठ है भक्तों का परीक्षा स्थल भी बनेगा और यहाँ पे लीला स्थली भी बनेगा। तो अगर आप कभी उड़ीसा आते हैं तो ज़्यादा दूरी पर तो नहीं है, भुवनेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह आपको पड़ जाएगा। और खाली एक ही जगह नहीं, इसके बगल में है छतियाबट भी है और इसके बगल में कड़ाई जो गांव है वहाँ पर है अलोनेश्वर महादेव, जहाँ महाप्रभु जगन्नाथ जी 1.5 दिन के लिए रुकेंगे, वो भी एक जगह है। और मालिका वर्णित बहुत ही प्रसिद्ध स्थान बैरी स्टेशन भी यहाँ पे है और कली पहाड़ भी है, जैसे बाबा जी बता रहे थे पहाड़ के उस तरफ जो है वो कली पहाड़ भी है। अगर हम रास्ते में जाएंगे तो 10 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है और झाड़ेश्वर महादेव मंदिर भी है। तो डेर किस बात की, अभी आप प्लान कीजिए टिकट, फिर पहुंच जाइए उड़ीसा और पहुंच जाइए इस जगह में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ, जय पंचखा।